कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। सो हेलो टू ऑल माई व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन आकाश स्टेम एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड दैट इज द कॉलेज वर्सेज द रैंक। तो कौन सी कॉलेज के लिए कितना रैंक आपको स्कोर करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल जॉइंट में, मीन्स WBJEE 2021 में, मीन्स किस रैंक को आप एक पैरामीटर मान के चले, और जो रैंक अगर आप लोग स्कोर कर पाए तो वो कॉलेज आपको मिल पाएगा। तो सही सही से सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपको देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं जानते हो कि WBJEE पे कितना रैंक आता है, कितना मार्क्स स्कोर करने पे, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप देख पा रहे हैं पास पे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे एंड एज वेल एज हमारे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वीडियो जाके देख चेकआउट कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कौन सी कॉलेज को पाने के लिए आपको कितना स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लो, बिकॉज आकाश स्टेम एजुकेशन पे वेबजी रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे के दिन पे भी आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख पाओगे कि सबसे पहला जो कॉलेज है, आप सब लोग के सबसे मनचाहा जो कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू। जेयू में अगर आप लोग कोई भी एक ब्रांच टारगेट कर रहे हो कि हमको एक ब्रांच चाहिए, तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, अच्छे ब्रांचेस के लिए तो 1000 के नीचे स्कोर करना पड़ेगा, बट कोई एक ब्रांच, नॉर्मल ब्रांच अगर आप लोग लेना चाहते हो तो 0 to 5000। मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड को लेके बता रहा हूँ, मीन्स लास्ट राउंड तक कितना कट ऑफ जा सकते हैं, लास्ट राउंड प्लस जो स्पॉट राउंड, जो स्पेशल राउंड होती है लास्ट में, उस राउंड को मिला के मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को 0 to 5000 मोटा मोटा खुर पे चाहिए अगर आप लोग परस्यू करना चाहते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे कि सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेकंड बेस्ट कॉलेज, सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल जेई। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो तो आपको ऑलमोस्ट 2000 से लेके 8000 के अंदर, ऐसी रेंज 8000 के अंदर रैंक करना पड़ेगा, लास्ट राउंड तक आप लोग एक ब्रांच पा जाओगे अगर आपका रैंक अंडर 8000 रहा तो सीयू पे। उसके बाद थर्ड जो कॉलेज है वो कॉलेज है KGEC, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। दिस इज ऑल्सो वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो वेरी रिनाउंड, एंड आप लोगों को यहाँ से प्लेसमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको 10000 रैंक अगर आपका रहा, मैं जनरल कैटेगरी के लिए ये जो बातें बता रहा हूँ ये सब बातें आपको एप्लीकेबल होगी फॉर जनरल कैटेगरी। आपको SC और ST और OBC के लिए भी जो रैंक इंक्रीज होगा, ओबीसी के लिए जनरल से 5000 इंक्रीज होगा, एससी के लिए जनरल से 10000 इंक्रीज होगा एंड एसटी के लिए जनरल से 15000 इंक्रीज होगा। तो मैं आपको जो रैंक बताऊंगा इसके साथ 5000, 10000 एंड 15000 अगर आप लोग सम कर पाओगे तो आपके सामने एससी एंड ओबीसी का रैंक चला आएगा, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं KGEC कल्याणी गवर्नमेंट पे। तो कल्याणी गवर्नमेंट पे जनरल के लिए 10000 के अंदर रैंक रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको करना पड़ेगा तो थर्ड राउंड तक कोई एक ब्रांच आपको मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद आते JGEC जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स बहुत सारे ब्रांचेस पे देखने को मिलती है, ऑल्सो दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन इन अंडर WebG। तो इसके लिए आपको लास्ट राउंड तक ऑलमोस्ट 15000 तक आपको रैंक करना पड़ेगा अगर आप लोग जनरल हो। SC ST OBC के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैं आपको बता दिया है। उसके बाद बढ़ते हैं PGEC एंड GCETTS। अब PGEC मीन्स पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, न्यू कॉलेज। अब आप जो कॉलेजेस के बारे में बताओगा ये थोड़ा लोअर लेवल के कॉलेजेस हैं। अगर आप लोग अच्छा कॉलेज चाहते हो कि हम लोग अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, अच्छे फैसिलिटीज चाहते हैं, तो आप लोग ये जो कॉलेज है इसको छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसपे अगर आप लोग इंजीनियरिंग परस्यू करो तो आपको प्लेसमेंट एंड एज वेल एज फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, इन सब गवर्नमेंट कॉलेज जो मैं आप बताऊंगा उससे बढ़िया देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग चाहते हो कि गवर्नमेंट का एक टैग चाहिए तो आप इस पे जा सकते हो। अब कौन से नॉन गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी है इसके ऊपर मेरा वीडियो आएगा चैनल पे, टॉप 10 नॉन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल अंडर WebG, उसके ऊपर वीडियो आएगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे के दिन पे वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो अब जो कॉलेज में बताऊंगा PGEC पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत नया नया कॉलेज है, 4-5 साल ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और CGGCETTS जो है आपका जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो श्रीरामपुर पे है। तो ये दो कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, जो श्रीरामपुर पे गवर्नमेंट टेक्सटाइल है इसका ये पुराना कॉलेज है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता। PGEC पे भी
केस हुई है, नया कॉलेज है तो आपको प्लेसमेंट वगैरह उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, तो दैट्स द टोटल मैटर। मैं आपको सच बातें बता दिया, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर करना चाहते हो तो ठीक है, आपको यहाँ पर रैंक लगेगा 20,000 के अंदर लास्ट राउंड तक। अगर आपके हाथ में 20,000 है तो उसके अंदर आप इस कॉलेज को परस्यू कर पाओगे। एंड लास्ट दैट इज सीजीईसी दैट इज कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड दैट इज ऑल्सो न्यू कॉलेज एस्टेब्लिश मीन भी इसका 5 or 6 साल पहले हुआ है। एंड साथ ही साथ BIT वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी पुराना है थोड़ा, बट प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा नीचे आती है, इससे भी बढ़िया प्लेसमेंट देती है बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो कौन कौन सी है ये जानने के लिए आकाशम एजुकेशन को विजिट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज आगे के दिन पे वीडियो आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप CGC एंड BIT अगर आप कुछ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो ये ठीक है, ये कॉलेज आप परस्यू कर सकते हो। आपको 25,000 तक रैंक लगेगा फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो दैट्स द रैंक वर्सेस कॉलेज वीडियो। एंड अगर आप लोग SC ST OBC से हो, मैं आपको बता दिया कि OBC के लिए जनरल कैटेगरी का जो रैंक है कट ऑफ रैंक, उससे 5,000 प्लस करना, ST के लिए 10,000 प्लस करना, एंड ST के लिए 15,000 प्लस करना, तो आपके सामने चला आएगा कि SC ST OBC के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आपके लिए आपके साथ साथ OBC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को प्लीज शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए आपके साथ साथ उन लोगों का भी नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि कौन कॉलेज अच्छा है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के में जाने के लिए कितना रैंक हमको लाना पड़ेगा, ये सब चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आकाशम एजुकेशन को साथ जुड़े रहिए आगे के दिन पे OBC प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।